फिरोजाबाद के रेलवे रोड स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर जनपद के सभी जेआई आज धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। फिर भी अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही सरकार जो बिजली विभाग में निजीकरण करने जा रही है हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उनका कहना है कि अगर बिजली निजी हाथों में चली जाएगी तो किसी गरीब का बेटा कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा। लिहाजा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फिरोजाबाद के तहसील शिकोहाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक पेट्रोल पंप व एक कॉलेज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और साथ ही एक मूर्ति का अनावरण भी किया। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार को फेल सरकार करार दिया। वहीं अखिलेश ने मन से कहा कि उत्तर प्रदेश अब एक हत्या प्रदेश बन गया है। धारा 370 हटने के बाद भी भारत सरकार पीओके पे कब्जा नहीं कर सकती। 370 हटाने से पीओके अपना नहीं हो जाएगा। इस सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। सरकार 110 करोड़ के लिए काम नहीं बल्कि 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार के निर्णय खुद ही बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। इस सरकार में किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। जब हमारी सरकार आएगी तब हम लोगों को रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेस वे को नॉन एक्सप्रेस वे बना दिया है। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो अच्छा चाहूँगा कि वो आरक्षण अगर बढ़ाने की बात कर रहे हो तो हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 370 पर क्या है जैसे? और आरक्षण किसको देना चाहते हैं? जो आबादी में गरीब हैं, जो जाति से पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या उनका आरक्षण छीनना चाहते हैं कि आरक्षण उनको बढ़ाना चाहते हैं? पहले तो ये तय करें भारतीय जनता पार्टी के लिए। कश्मीर में 370 हटा दीजिए, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अब क्या प्रतिक्रिया करें? जिन लोगों के लोकतंत्र में लोगों की बात सुननी चाहिए, कल आपके साथ हो जाए तब क्या होगा? ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो देशों के अपने हक हैं, कल को यूपी में कुछ हो जाए क्या कर लेंगे आप? यूपी में मंत्रिमंडल बदल रहा है, इस बारे में? मंत्रियों को बदलने से कोई सरकार के कामकाज नहीं बदले जाते हैं। ये मंत्री अभी सीखने में टाइम लगाएंगे, 6 महीना, तब तक समय खत्म हो जाएगा सरकार का। जैसे प्रदेश में आपने मंच से कहा कि ये प्रदेश हत्या प्रदेश हो गया है, कि ऐसा कैसा लग रहा है आपको? इलाहाबाद में अगर हत्याएं हो जाएं और आपके ही पत्रकार साथी का अगर सहारनपुर में हत्या हो जाए, दोनों भाइयों की, और घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हों और बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर के उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हों, अगर अपहरण बढ़ गए हों, हत्याएं बढ़ गए होंगे, तो आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़े हैं उस बारे में आपका क्या कहना है? ये वही पैसा वसूला जा रहा है जो चुनाव में किसानों के अकाउंट में गया था। भैया एक जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनने की तैयारी हो रही है, इस पर क्या विचार हैं आपके? मुझे जानकारी नहीं है कि लेकिन एक चर्चा पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के रायपुर भरसोल गांव में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से एक कच्चा मकान की दीवार ढह जाने से घर में अंदर सो रही 70 वर्षीय वृद्ध, रिपीट एंकर व्यू 3। यूपी के फतेहपुर जिले के रायपुर भरसोल गांव में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कच्चे मकान की दीवार ढह जाने से घर के अंदर सो रही 70 वर्षीय वृद्ध महिला की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घर गिरने की आवाज सुन पड़ोसियों ने आनन फानन में मलबा हटाकर वृद्ध महिला को बाहर निकाला, जहां वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। परिजनों ने वृद्ध महिला की मौत की खबर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।